लेनोवो का लैपटॉप है, इसमें विंडो 10 इंस्टॉलेशन करनी है। इसका बूट मेन्यू का शॉर्ट की से FN F12। हम USB से विंडो कर रहे हैं, इसीलिए USB पहले लगाएंगे, उसके बाद बूट मेन्यू का बटन दबाएंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद ये आ जाएगा आपका। तो आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहें, आमतौर पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट होती है, पाकिस्तान में तकरीबन ये यूज़ होती है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल ना। कभी कभी आपके विंडो के दौरान ये ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पे रीस्कैन भी करते हैं तब भी मसला हल नहीं होता। सही, यहाँ से मैं चाहता हूँ इसमें और ये शो करता है। इसका हल ये, इसकी वजह ये कि आपके विंडो की फाइल जो है ना कुछ करप्ट होती है, उसकी वजह से ये ऑप्शन आता है। तो विंडो सही तरह USB में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद दोबारा ट्राई करके देखेंगे। PC में एरर आ रहा है तो इस तरह कैंसिल करेंगे, आप इसको भी कैंसिल कर लें। फिर CD या USB जो है ना चेंज करके उसके देखें। CD के जरिए कर रहे हैं, क्लिक करेंगे आप प्रेस करने की। ये 32 करना चाहते हैं तो 32 सिलेक्ट करेंगे, 64 करना चाहते हैं तो 64 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके लैपटॉप में इस तरह मसला आता है तो उसको ओके कर दीजिएगा। यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश करना चाहें तो इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप, इंस्टॉल नाउ। ये सेटअप जो है वो स्टार्टिंग हो रहा है। यहाँ से आप जो विंडो करना चाहते हैं, मसलन विंडो हम लोग आम तौर पे जो करते हैं यूज़ करते हैं विंडो प्रोफेशनल 64 करनी हो तो 64, और ये 86 जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब है 32 बिट। 86 बिट जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 64 से कम रेंज वाला है। अगर आपके लैपटॉप में रैम वगैरह कम है तो आप सिर्फ 86 वाला करेंगे, अगर लैपटॉप में रैम हैवी है तो आप 64 वाला करेंगे। यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर लें। इसमें कस्टम वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको जितनी पार्टीशन वगैरह बनानी हो उस हिसाब से आप बनाएंगे। मेरे इसको डिलीट वगैरह करना है। न्यू पार्टीशन बना रहे, बस इसकी 500 GB है तो 500 के हिसाब से मेरे को 3 पार्टीशन बनानी है।
भी करेंगे। इसके बाद इसमें कार्ड है सब, इसको न्यू सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं। और ये सेकेंड वाला जो है, ये 500 एमबी जो है विंडो 10 में कैलकुलेट होती है, मतलब आपका विंडो वगैरह करप्ट हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए काम आ जाती है। और विंडो करने के लिए आप सेकेंड फाइल जीबी के हिसाब से कोई भी हो, फर्स्ट हो या सेकेंड हो, उसको आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। सर लोडिंग लेगी, ये 100 पूरी हो जाएगी, उसके बाद रिस्टार्ट होगा। ये 23% हो गई है, इस तरह टाइम आस्ते आस्ते बढ़ रही है। ये 100 होने के बाद आपके इस तरह होगा, ये इंस्टॉल अपडेट। ये अगर ऑप्शन आए तो आप चाहें तो कुछ 10 सेकेंड वेट कर, नहीं तो इंटर दबा दें, खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक विंडो पे चला जाएगा। और जो बाकी सेटअप रहता होगा वो उस पर इंस्टॉल होगा। Yes, nice. यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा,
उसके बाद इस तरह आएगा। एक दफा रीस्टार्ट होगा, कुछ टाइम लोडिंग देने के बाद आपके पास इस तरह आएगा जस्ट मोमेंट या मोमेंट। उसके बाद आपके पास इस तरह ऑप्शन आएगा, शो करेगा स्क्रीन पे। ये लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान में अक्सर जो यूज होती है यूनाइटेड स्टेट यूज करते हैं हम। उसके बाद यस कर देंगे, यहाँ से भी यूएस सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड लेआउट। और यहाँ से कीबोर्ड लेआउट को स्किप कर देंगे हम। यहाँ से आपका वाईफाई अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास नेट वगैरह नहीं लगा हुआ तो आप इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे आप नाम वगैरह लिखेंगे, जो भी अपना नाम लिखना चाहें, शॉप है तो शॉप का नाम। पासवर्ड अगर लगाना चाहें तो पासवर्ड लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहें तो बस नेक्स्ट कर दीजिए। इसको भी यस कर दीजिए, एक्सेप्ट। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। इधर कुछ टाइम लोडिंग लेगा, उस दौरान आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को बंद नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह स्क्रीन आएगी और आपका आपकी विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये विंडो जो हमने इंस्टॉल की है ये विंडो 10 है। इसमें इस तरह होता है कि कुछ ड्राइवर जो है ऑटो इंस्टॉल हो जाते हैं,
और इसके हैवी ड्राइवर हम यूज़ करना चाहें तो उसको इंस्टॉल हमें करना पड़ता है। अगर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना नहीं आते उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह उसकी भी हम वीडियो जल्द अज जल्द अपलोड कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हो सके तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दे और लाइक लास्ट वीक कीजिए, और देखने का बहुत 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 आपका शुक्रिया।